डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में नेत्रदान करने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बात को पढ़ रहे थे, जो कि नोट में करके हम लोग कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन कर रहे थे। आपको पता होना चाहिए कि नोट का हम लोग कुल मिलाकर 2 पॉइंट नोट्स किए थे। चलिए नोट का थर्ड पॉइंट नोट किया जाए। थर्ड पॉइंट में लिखा जाए, ये नोट का हम लोग पॉइंट्स लिख रहे हैं। थर्ड पॉइंट्स, चश्मा पहनने वाला या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं चलिए हम लोग इस कंक्लूजन पे आते हैं कि अगर मान लिया दोस्त कि कोई भी व्यक्ति अगर चश्मा पहनता है, चश्मा यूज करता है, ठीक है, या फिर किसी भी व्यक्ति को मोतियाबिंद हुआ है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुका है, ठीक है, तो हम यहाँ पे जान रहे हैं कि वो भी क्या है, नेत्रदान बेहिचक डेफिनेटली कर सकता है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर ये बोला जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो चश्मा पहनता है, ठीक है, या फिर किसी को मोतियाबिंद हुआ था और उन्होंने ऑपरेशन भी कराया है, तो याद रखें वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नोट करते हैं। फोर्थ पॉइंट, नोट का फोर्थ पॉइंट, मधुमेह जिसको डायबिटीज कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं, ठीक है, मधुमेह कोमा उच्च रक्तचाप कोमा दमा कोमा एड्स कोमा हेपेटाइटिस कोमा हैजा या अन्य किसी संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा इन बात को कि अगर देखिए, अब रहा बात कि ये सवाल आ सकता है कि कौन से व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, उनको नहीं करना चाहिए, तो जिसको याद रखिए मधुमेह रोग हुआ है, मधुमेह को इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज़, ठीक है, जिसको मधुमेह हुआ है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर बीपी जिसको बोलते हैं, अगर हाई बीपी हुआ है उसी को लिखे हुए हम लोग उच्च रक्तचाप, अगर बीपी जिनका बढ़ा हुआ है, या फिर जिनको दमा की बीमारी है, ठीक है, दमा की बीमारी होती है, या फिर जिनको एड्स है या हेपेटाइटिस की बीमारी है, हैजा है, तो याद रहे ये व्यक्ति जिनको इन सभी रोग हैं, तो याद रखिए ये व्यक्ति जो है नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट फोर्थ हो गया पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट लिखा जाए, पांचवा पॉइंट लिखा जाए, मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र को निकाल देना चाहिए कोमा इसके लिए समीप के नेत्र बैंक
नेत्र बैंक को मृत्यु प्रांत तुरंत सूचित करना चाहिए। मृत्यु प्रांत तुरंत सूचित करना चाहिए। चलिए अब भी जो लिखे ना, सबसे इम्पोर्टेंट और अहम बात दोस्त, हम लोग तो ये जानते हैं और पहले भी हम लोग सीखे हैं कि अगर किसी व्यक्ति का डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, लेकिन उसका आँख जो है, नेत्र जो है, खराब नहीं होता है, वो जीवित रहता है, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति का धड़कन रुक जाए लेकिन नेत्र जो है मरता नहीं है, याद रखिएगा, कब से कब तक वो जीवित रहता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को मृत्यु अभी हुआ है, ठीक है, तो इसके 4 से 6 घंटे तक के, यानी मैक्सिमम 6 घंटा चलेगा और मिनिमम 4 घंटा 3 घंटा, यानी कि 6 घंटा के अंदर अंदर आपको नेत्र जो है निकाल लेना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि कोई भी व्यक्ति का जो नेत्र है वो कितना से कितना घंटे तक जीवित रहता है। 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र को निकाल देना चाहिए। इसके लिए आपको क्या काम करना है, समीप के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको बोल सकते हैं, सरकारी या गैर सरकारी कहीं से भी हो, तो समीप के जो नेत्र बैंक है, हालांकि ये अब नेत्र बैंक तो हर हॉस्पिटल में लगभग जो गवर्नमेंटल हॉस्पिटल है उसमें रहते ही हैं, तो मृत्यु के तुरंत पश्चात आपको तुरंत खबर भेज देना होता है, सूचना दे देना होता है नेत्र बैंक को कि आप जो है हमारे यहाँ आइए और नेत्र जो है निकाल लीजिए, नेत्रदान उसी को कहते हैं। तो कुल मिलाकर याद रखिएगा कि 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र को निकलवा देना चाहिए, अन्यथा फिर नेत्र जो है खराब हो जाता है। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे जो है ना, नेत्र बैंक आपके आपके पास आते हैं नेत्र बैंक वाले लोग, और जिसकी मृत्यु हुई है उसके दोनों आँखों को निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे अहम बात, आपको जो है रेकर्ड में नाम जो है सूचित तो नहीं किया जाता है, यानी कि जो दान दिया या फिर जो दान जो नेत्र बैंक आते हैं निकालने, उसको रेकर्ड में सूचित नहीं किया जाता है कि कौन दिया, इसका लेखा जोखा जो है नहीं किया जाता है। तो याद रहे, जो भी दानकर्ता होंगे या नेत्र निकालने वाले होंगे, जिसे नेत्र लेने वाले होंगे, उनकी पहचान को मुख्यतः गुप्त रखा जाता है, उनकी सूचना जो है गुप्त रखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो इसको भी लिख लिया जाए 6 पॉइंट में। 6 पॉइंट, दानकर्ता तथा नेत्र लेने वाले, दानकर्ता तथा नेत्र लेने वाले दोनों की पहचान को गुप्त रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है। गुप्त का मतलब इनको छिपाया जाता है, ठीक है, जो नेत्र देते हैं या फिर जो नेत्र लेते हैं उनको जो है फाइनली रूप से सबके सामने प्रकट नहीं किया जाता है, इसको गुप्त रखा जाता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात वो हम लोग 7 पॉइंट्स में लिखेंगे। ये नोट के टोटल पॉइंट्स हैं, नेत्रदान करने योग्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये सब सारे, जो अभी हम लोग लिखने वाले हैं ना, कि अगर मान लिया कि नेत्र को एक युगल, नेत्र का एक युगल का मतलब समझिए पहले, युगल का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। अगर मान लेते हैं एक जोड़ा लोग, एक जोड़ा व्यक्ति का मतलब कितने लोग, एक जोड़ा लोग का मतलब हुआ कि 2 लोग, और 2 लोगों का टोटल कितनी आँख, 4 आँख हैं। तो याद रखिए कि अगर एक युगल यानी कि 2 लोग मिलकर पूरे 4 लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, आँख की रोशनी को दान में दे सकते हैं, कितने लोग, तो 2 लोग, समझिए इन बात को कि 2 लोग, ठीक
ठीक है, वो भी नहीं, इनकी मृत्यु के बाद आँख को निकलवाने के बाद, यानी कि दो लोगों की मृत्यु हुई, उनकी आँख जो है निकलवा दी नेत्र बैंक के पास, और ये दोनों लोगों के वजह से टोटल कितने लोग जो हैं प्रकाशमान हो सकते हैं, उनकी अंधापन को दूर किया जा सकता है, आप विश्वास कीजिए 4 लोगों, क्योंकि हमारे भले ही 2 आँख है, तो अगर मान लिया कि कोई व्यक्ति दोनों आँख से अंधा है, तो एक तो ऐसे छोड़ दिया जाए और किसी एक में फिट किया जाए, ठीक है, कम से कम अंधापन तो दूर हो सकता है ना। तो याद रखिएगा कि एक जोड़ा युगल से टोटल 4 व्यक्ति को दृष्टि प्रदान किया जा सकता है, तो इस बात को भी लिखा जाए, 7 पॉइंट्स है ना। हाँ, नेत्र का एक युगल, नेत्र का एक युगल 4 व्यक्ति को दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, 4 व्यक्ति को दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। याद रखिएगा, 2 लोग मिलकर 4 लोगों को, या फिर एक अकेला व्यक्ति ही 2 लोगों, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति का अगर डेथ होता है तो उसकी दोनों आँख नेत्र बैंक वाले लोग निकाल लेंगे और दोनों आँखों को 2 अलग-अलग लोग में फिट कर देंगे, तो ऐसे क्या होगा, तो 2 लोग प्रकाशमान हो जाएंगे, जिनकी दृष्टि चली गई थी उनकी वापस आ सकती है। तो ये सब सारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था, वो नेत्र दान करने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसको आपको जानने जरूरी है कि आखिर नेत्रदान कैसे किया जाता है, कौन व्यक्ति कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कितना घंटे के भीतर, कितने घंटे तक मेरा आँख जो है मृत्यु होने के बाद जीवित रहता है। तो इन सभी सारों पे, सारे टॉपिक्स पे हम लोगों ने बात किया। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक्स दिया जाए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि प्रिज्म द्वारा आखिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। तो इन टॉपिक्स को दोस्तों हम कल से स्टार्ट करेंगे, तो ये टॉपिक्स जो लिखे हैं ना उसको मिटाना नहीं है, इसी के नीचे फर्स्ट एरो से हम लोग अगले दिन के क्लास में स्टार्ट करेंगे पढ़ना, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक्स, तो हम लोग इसको हम लोग नेक्स्ट डे क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।